गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल रीड अबाउट एग्रीकल्चर पार्ट टू हमने पार्ट वन में वट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग बच्चे मैंने आपको बताया था प्रेमेटिव सबसिसटेंस फार्मिंग या सबसिसटेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें जो प्रोडक्शन है वो अपनी कंजम्पशन के लिए होता है सर्वाइवल के हो के लिए होता है बेसिकली नॉट फॉर द सेल मर्शियल फार्मिंग इज ओनली फॉर सेल बच्चे जो चीजें हम बेचने के लिए मार्केट में प्रोडक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड कोमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मिक्सड फार्मिंग एंड थर्ड वन इज प्लांटेशन फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ग्रेन फार्मिंग में वीट मेज की प्रोडक्शन करी जाती है सबसे ज्यादा आपको जैसे पंजाब पता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूँ की प्रोडक्शन होती है तो दैट इज कमर्शियल फार्मिंग क्योंकि जितनी भी वो वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका बेसिक मोटिव जो है वो सेल है कि इसकी मार्केट में सेल होनी चाहिए तो दैट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मेजर एरियाज जो इसके हैं अमेरिका यूरोप एंड एशिया सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन कंट्रीज में होती है सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग वो होती है जिसमें एक खेत में फूड एंड फॉरडर इकट्ठा उगाया जाता है जैसे एक खेत में एक तरफ गेहूं बोई हुई है एंड उसी खेत में आधे खेत में बीच में पशुओं का चारा बोया हुआ है आपने देखा होगा आ, को, किसी भी खेत में किसी भी गांव में एक ही खेत में एक तरफ गेहूं की फसल बोई हुई है या चावल की फसल बोई हुई है दैट इज फूड क्रॉप एंड दूसरी तरफ फॉर्डर मतलब पशुओं का चारा भी बो, बो, बोया होता है जैसे उगता है उसमें तो उसको कहते हैं मिक्सड फार्मिंग एंड इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप ईस्टर यूएसए एंड अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ओके नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें एक ही जगह पर एक ही प्लांट की प्रोडक्शन करी होती है मतलब लैंड के एक टुकड़े पर एक ही तरह का प्लांट उगाया होता है चाहे वो सीधा रो में उगाया हो प्रॉपर उसकी लाइंस बनाई हो चाहे किसी भी तरह से पर प्लांट एक ही होगा उसकी फॉर्म एक ही होगी जैसे टी कॉफी शुगर केन कैश्यू एंड रबर बनाना या कॉटन ये सारे क्या हैं प्लांटेशन क्रॉप्स एंड सबसे ज्यादा जो रबर की प्रोडक्शन है मलेशिया में होती है एंड कॉफी की ब्राजील में और टी की इंडिया एंड श्रीलंका में तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड जिसमें एक ही तरह के सारे प्लांट्स प्रॉपर रो में उगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर सो स्टूडेंट्स टूडे वी हैव डिस्कस्ड कॉमर्शियल फार्मिंग commercial grain farming mixed farming and plantation agriculture okay read your book thoroughly and we will meet in next video okay thank you